झारखंड के इतिहास में एक ऐसे नेता को भी याद रखा जाएगा जिसने आंखों में सूरमा लगाकर, जिसने सूट बूट पहनकर तमाम झारखंड वासियों के जनभावना के साथ, तमाम झारखंड वासियों के संघर्ष के साथ खिलवाड़ किया। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ JBKSS से, हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी संजय मेहता की। कल उनकी राजनैतिक महत्वाकांक्षा और राजनैतिक लालसा पूरे राज्यवासियों के सामने तब आई जब उन्होंने एक फर्जी JBKSS बना लिया। जी हाँ, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति नहीं, झारखंड बचाओ अलना फलना क्या उन्होंने फुल फॉर्म रखा, पर उसे मिलाकर उन्होंने JBKSS बनाकर राज्यवासियों को ठगने के लिए, राज्यवासियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए एक नया फर्जी JBKSS बना दिया। संजय मेहता जी की केंद्र अध्यक्ष बनने की जो लालसा थी, जब उन्होंने JBKSS यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में पूरा होते हुए नहीं देखा, तब उन्होंने झारखंड बचाओ अलना फलना एक नया राजनीतिक दल जो रजिस्टर्ड करके लगभग पिछले 6 महीना से उन्होंने तैयारी करके रखा था, तभी उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। राज्यवासी इस बात को समझेंगे कि एक नया संगठन को रजिस्टर करने के लिए समय लगता है, यानी उनका प्लानिंग, उनका केंद्र अध्यक्ष बनने का सपना लगभग पिछले 6 महीने से चल रहा था। JBKSS की वजह से उन्हें 700 वोट से आज 1,57,000 वोट मिला है, उसका एक फर्जी JBKSS बनाकर मजाक नहीं बनाना चाहिए था। संजय जी, किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन के रजिस्ट्रेशन में 6 महीने का वक्त लगता है। आज आपने एक JBKSS यानी फर्जी JBKSS बनाया है, उसको आपने रजिस्टर्ड किया है, यानी पिछले 6 महीने से आपके अंदर ये लालसा, ये प्लानिंग, सब कुछ प्रोपोगेंडा आपके तरफ से फैलाया जा रहा था। सवाल जनता करेगी आपसे, मैं क्यों करूंगा? जनता अब असली और नकली के बीच पहचान करने के लिए तैयार है। राज्य की जनता के अंदर एक राजनीतिक चेतना जाग चुकी है। सावधान रहें, सतर्क रहें, फर्जी नेता, फर्जी JBKSS बनाने वाले लोगों से, अति महत्वाकांक्षा रखने वाले, लालसा वाले नेताओं से राज्यवासी अब सावधान रहें। जोहार।